नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं तरन्नु मामीन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वैलेंटाइन डे में प्यार पर पहरा लगाने पहुंचे संगठनों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, जुबली पार्क में पुलिस रही तैनात। जमशेदपुर की एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। जमशेदपुर के परसोडी और जुगसलाई में हुई दुर्घटना, परसोडी में ट्रक चालक ने गवाई जान। और सरायकेला अनुमंडल कार्यालय बनने का रास्ता साफ, उलान आयुक्त ने किया पुराने अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। आज हम खबरों में रुक करेंगे सबसे पहले उस खबर की ओर जो पूरे शहर को शर्मसार कर दी है। उलीडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। इधर घटना के संबंध में पीड़िता नाबालिग लड़की के पिता ने बताया कि उसकी लड़की 10 फरवरी को ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठा कर डिमना लेक ले गए। पीछे से बाइक पर सवार 2 युवक डिमना लेक पहुंचे। यहां युवकों ने पीड़िता का कपड़े उतार कर अश्लील वीडियो बनाया। पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी दी। 13 फरवरी को परिवार वालों ने उलीडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। 14 फरवरी को उलीडी पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक युवक फरार बताया जाता है। इधर उलीडी थाना प्रभारी ने बताया मामले की जांच चल रही है। 3 लड़का पकड़ा है, घटना मेरा बच्ची ट्यूशन से पढ़ के जा रहा था, उसको रास्ते से उठा लिया। वो जाते पहले तो रास्ते कब उठाया? 10 तारीख। कहाँ जा रही थी? स्कूल आया था अपना पूजा करने के लिए, वहीं से रास्ते से उठा लिया, इसको ले गया डिमना लेक, वहाँ जाके चारों इसको मुंह बंद करके ले गया, मोटरसाइकिल को जबरदस्ती रिफ्यूजी कॉलोनी फंगा रोड से। पता चला जब वहाँ पे लड़का लोगों को फोटो जब भेजा ब्लैकमेल करने के लिए, तब पता चला हमें। आपको बेटी को कब उठाया था? 10 तारीख को। तो कहाँ थी तब? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये उसको पूछताछ करने लगे तो ये बताया हमको मारने का धमकी दिया, बोला तेरा मम्मी छोड़ दिया था। हाँ, कब छोड़ा था उसको? छोड़ दिया उसी दिन, छोड़ दिया था शाम को। शाम को लेकर आया, फिर हमको बताया 4 बजे का। इसको लेके कब भागा था? 10 तारीख को ही। क्लियर नहीं दिया है, आप लोग आपस में विचार विमर्श कर रहा है। एक लड़की डिमना लेक पूजा के समय जो है बोल रहा है कि डिमना लेक घुमाने के लिए ले गया था, और डिमना लेक घुमाने के क्रम में उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया या वीडियो। और इधर पुलिस ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने वाले बजरंग दल के समर्थकों को खदेड़ कर पिटाई की। शहर में पहली बार पुलिस ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने वालों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। जहां जुबली पार्क में संभावित अशांति पैदा होने के मद्देनजर पार्क के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थे, वही अन्य वर्ष विरोध करने वाले बजरंग दल के समर्थक इस साल वैलेंटाइन का पुलिस की सख्ती के कारण पार्क के अंदर घुस नहीं पाए। साथ ही बगैर प्रशासनिक अनुमति के बजरंग दल के समर्थकों द्वारा बाइक रैली निकालने पर पुलिस ने एतराज भी जताया। बताया जाता है कि साक्षी शीतला मंदिर के पास से बजरंग दल के समर्थकों ने बाइक रैली निकालने के दौरान हुड़दंग मचाया, जिसके बाद साक्षी पुलिस जुबली पार्क गेट नंबर अरे हम लोग हैं इसलिए सुरक्षित बचे हो, ठीक है ना? कितना भी गाली दे लो, एक मिनट रुक रही। एक एक आदमी का फोटो मेरे पास है, यहीं पर है। एक एक आदमी का कार्रवाई होगा, आप लोग कानून से जो आना है। आपको कहिया लग रहा है, दिख रहा है? संस्कृति का विनाश करने वाले लोग आज कुछ पर्व मनाते हैं वैलेंटाइन डे, जो अपने आप को जो है एकदम तथा कथित प्रेम करने वाले लोग बताते हैं। तो ये पता नहीं है कि भारतवर्ष में इससे भी बड़े बड़े प्रेम का उदाहरण है पितृ पूजन के रूप में मनाना चाहिए, ना कि इस तरह से भोग विलास और ये सब अयाशी वाले लोग जो है जिस तरह समाज का रचना बिगाड़ रहे हैं, वैसे लोगों को इस तरह से इस तरह के त्यौहार को
नहीं मनाना चाहिए। और बजरंग दल भी सुंदरगढ़ से जिसका कठोर विरोध करता है, अगर प्रशासन ने ऐसा किया है, लाठीचार्ज किया है बिना पूर्व सूचना के, बिना कुछ एक, तो हम सभी प्रशासन से बात करेंगे आप ऐसा क्यों किए। लोग 40-50 बाइक की संख्या में पूरे शहर में घूम रहे हैं और जो लोग आपस में, आज क्योंकि 14 फरवरी का दिन है, कुछ लोग पार्क में घूमने गए हैं, कुछ लोग जुबली पार्क में गए, कुछ लोग गिमना लेके गए हैं, ये लोग जा करके वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब करने से रोक रहे हैं। जो भी अगर गलत कार्रवाई करेगा, वही कर रहे थे जुबली पार्क में, लगभग 60 की संख्या में जा रहे थे, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरे शहर में यातायात भी अवरुद्ध कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम लोग पूरा सख्त है, किसी को किसी गड़बड़ नहीं करने देंगे। और इधर परसुड़ी थाना अंतर्गत सिद्धू कानू चौक के पास गुरुवार सुबह 407 वाहन चालक की अपने ही वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। वाहन में सीमेंट की बोरियां लदी थी। मृतक वाहन चालक की पहचान जेमको निवासी 28 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पंकज सीमेंट की बोरियों से लदे वाहन को लेकर परसुड़ी स्थित सिद्धू कानू चौक के समीप हो रहे भवन निर्माण कार्यस्थल के समीप पहुंचा था। वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर वह उसे लुढ़कने से बचाने के लिए पत्थर के टुकड़े लगाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच वाहन लुढ़कने लगा। पंकज उस वाहन को रोकने की कोशिश करता रहा। इसी बीच वाहन लुढ़कते हुए एक पेड़ से जा टकराया। पंकज वाहन व पेड़ के बीच दब गया। आनन फानन में आसपास के लोग पहुंचे और वाहन चालक को बाहर निकाला, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और घटनास्थल के पास जाम लगा दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम पर बैठे लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया। हम लोग को एक्सीडेंट की मिली थी अभी परसोटी थाना से, नामू टोला में एक्सीडेंट हो गया है, वहां हम लोग गए, घटनास्थल पर पहुंचे तो ये गाड़ी का चालक है, ये गाड़ी से अपना पीछे वाला गाड़ी से पीछे में दब गया, नहीं चालू नहीं था, बंद था। ये कौन सा जगह था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? नामू टोला हल्दुबन। क्या नाम इस लड़के, कुछ मालूम चला है इसका? हाँ, आधार कार्ड में पता चला है कि पंकज कुमार यादव टेल्को का है। टेल्को का नाम है। गाड़ी किसका था? और दूसरी ओर जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवर सिंह चौक के पास एक फ्लाई ऐश से लदी ट्रक पलट गई। हालांकि इसमें कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है, लेकिन यहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि ये चौक शहर के व्यस्ततम चौक में से एक है। जुगसलाई के इस चौक पर वैसे तो लगातार भीड़ की स्थिति रहती है, सड़क पर वाहनों का आवागमन यहाँ लगातार रहता है। इसी चौक पर एक ट्रक जो फ्लाई ऐश से लदी हुई थी अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें ट्रक चालक को हल्की चोट आई, लेकिन यहाँ कोई भी राहगीर इसके चपेट में नहीं आया, जिससे यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मामला कोई खास नहीं है, गाड़ी टर्निंग में आ रहा था, उसको भी हादसा हो गया, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर सरायकेला अनुमंडल कार्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार ने आज पुराने अनुमंडल कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। पिछले दिनों से अनुमंडल कार्यालय को शिफ्ट किए जाने को लेकर सरायकेला बार एसोसिएशन और सरायकेला की जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसको लेकर सरायकेला नगर उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने आमरण अनशन भी किया था, जबकि अधिवक्ताओं ने हड़ताल भी की थी। इधर नगर उपाध्यक्ष ने कोल्हान के कमिश्नर से मुलाकात कर मामले में संज्ञान लेने की बात कही थी। वहीं कमिश्नर ने आज दौरा किया और साफ कर दिया है कि पुराने जगह पर ही अनुमंडल कार्यालय बनाया जाएगा। साथ ही भरोसा दिलाया कि वे इसको लेकर सचिव को पत्र लिखेंगे। बता दें कि इस दौरान जिले के उपायुक्त समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये स्थल बिल्कुल उपयुक्त है अनुमंडल कार्यालय बनने के लिए, और मैं आज सचिव से बात करके कल इसका प्रपोजल फिर से अपनी सहमति देते हुए कि सही है और जल्द से जल्द इसको स्वीकृत करके आवंटन दिया जाए और इसको बनाया जाए। और इधर जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विशाल शिविर का आयोजन कर लाभुकों के बीच में फॉर्म का वितरण किया गया।
जहां कई बैंकों के कर्मचारी शिविर के माध्यम से लोन की सुविधा गरीब लोगों तक अपने आवास का सपना पूरे करने के लिए पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। हर गरीब का अपना आशियाना के वादे को पूरा करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, जहाँ प्रथम चरण में बिरसा नगर एवं बागुन हाथों में कुल 9000 मकानों का निर्माण कराया जाना है, जिसके तहत शिविर लगाकर लाभुकों को जानकारी दी जा रही है। वहीं इस शिविर का आयोजन जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं उपायुक्त अमित कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की। वहीं इस संदर्भ में उपायुक्त का कहना है कि पूरे जिले में कुल 12000 प्रधानमंत्री आवास बनने का लक्ष्य किया गया है, इसके लिए पर्याप्त राशि भी आवंटित कर दी गई है। वहीं पहले चरण में 9000 बहुमंजिला मकान बनाने की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। हम सभी शहरी तथा ग्रामीण दोनों के मानित है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए एक मेगा कैंप का आयोजन इस एग्रीको मैदान में किया गया है, और इसका दो उद्देश्य है। एक तो जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना के सभी घटकों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, और साथ ही साथ बैंकों के माध्यम से कैंप लगाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि इसके जो कंपोनेंट है उसके बारे में जो फाइनेंशियल लिंकेजेज हो सकते हैं बैंक से, वो हम लोग भी जो है वो बैंकों की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वहीं इस मेगा शिविर में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जहां हम माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए अपना आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत इस तरह की शिविर लगाकर की जा रही है। इसमें निजी क्षेत्र में दिए जाने वाले सारी सुविधाएं सरकार भी अब इन 8 मंजिला इमारतों का निर्माण कर लोगों को देगी। प्रथम चरण में बिरसा नगर एवं बागुन हाथों में 9000 मकानों के साथ की जा रही है। भारत में किसी शहर में इस तरह का योजना का धरातल में उतारने का काम किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई रघुवर दास जी ने बिरसा नगर और बागुन हाथू के लगभग 12000 मकान तरह का योजना यहाँ पर दिया जा रहा है, और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप देख रहे हैं, चाहे मानगो हो, सुनारी क्षेत्र हो, शास्त्री नगर क्षेत्र में हो, खास करके जमशेदपुर में जेनेसी के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में मानगुआ छेस विभाग के द्वारा आगामी गर्मियों के मद्देनजर पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाने हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए कई प्रकार के टेंडर भी विभाग करवा रही है, और मार्च के महीने तक सारी तैयारियां को पूर्ण किए जाने का दावा इन्होंने किया है। वैसे आमतौर पर गर्मी आते ही मानगो क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि जिन इलाकों में पाइपलाइन से पानी जाता है वहां ऐसी समस्याएं नहीं होती है, लेकिन जो इलाके चापाकल तथा टैंकर के पानी पर निर्भर है वहां ये समस्या आती है। इस बाबत मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी ने कहा, सभी जल मीनारों को दुरुस्त करने हेतु निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, और आगामी वित्तीय वर्ष से इनका संचालन पेयजल विभाग करेगी। वहीं जहां जहां डीप बोरिंग व मोटर सिस्टम लगाया गया है उनके देखभाल और उन्हें दुरुस्त करने के लिए निविदा की प्रक्रिया की जा रही है, और उन्हें भी गर्मी से पूर्व ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपातकाल स्थिति के लिए 2 बड़े बड़े और 2 छोटे टैंकर विभाग के पास उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से विभाग पानी की सप्लाई करेगी। मीनार है और जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। अभी तो आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष से उसका संचालन पीएलडी के द्वारा किया जाना है। साथ ही साथ हमारे यहाँ से आकस्मिकता को देखते हुए जितने भी हैंडपंप हैं और जितने भी हमारे डीप बोरिंग कराए गए हैं जगह जगह पर, हमारे 5000 लीटर के जो हमारे टंकी हैं उनमें जो मोटर पंप लगे हैं उनको सही करने के लिए हम लोग उसका टेंडर निकाल रहे हैं, ताकि उसका रखरखाव और संचालन गर्मी के दिनों में अच्छे से हो और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही साथ 2 बड़े और 2 छोटे टैंकर प्रत्येक आकस्मिक स्थिति को देखते हुए तैयार रखे गए हैं, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में पेयजल की हम लोग आपूर्ति लगातार करते रहें। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, जिस दिन लोग अपने प्यार का इजहार अपने जीवन साथी से करते हैं, ऐसे ही प्यार का इजहार करने के लिए जमशेदपुर से 600 किलोमीटर दूर अंगुल से अनिकेत जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी प्रेमिका स्वाति को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देकर प्यार का इजहार किया और जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई। प्यार के कई रूप होते हैं, हर रूप में प्यार अमर है,
मगर वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी अपने प्यार का इजहार अपनी प्रेमिका से करते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए लोग सात समंदर पार तक चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां उड़ीसा का अंगुल से प्रेमी अंकित अपनी प्रेमिका स्वाति से मिलने के लिए पहुंचा, जहां दोनों प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे को गुलाब फूल देकर अपने प्यार का इजहार किया। वहीं अंकित का कहना है कि कॉलेज से शुरू हुआ प्यार का सफर अब मुकाम तक पहुंच गया है। अंकित के अनुसार 5 माह पहले दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया था। बस हम लोग आज वैलेंटाइन डे है, अब परिवार के साथ ही आए हैं और ये खास दिन होता है अपना प्यार जताने के लिए, तो खुश नसीब हैं हम आज के दिन मिल रहे हैं और हमारे परिवार वाले ही हम लोग हमें मिला रहे हैं, तो उसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं अंगुल से, जो कि 600 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मैं सिर्फ इनसे मिलने आया हूँ क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, तो बहुत ही स्पेशल डे है आज हम दोनों के लिए। ये हीर रांझा, लैला मजनू और सीरी फरहाद जैसे प्रेमियों को अपना आदर्श मानने वाले प्रेमी युगल है, जो साथ साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। वही प्रेमिका स्वाति कहती है कि वे काफी खुशनसीब है कि उन्हें ऐसा जीवन साथी मिला जो उनसे मिलने के लिए बेताब और बेचैन नजर आ रहा था। 1 माह की जुदाई के बाद वे एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई इतना दूर से मेरे लिए स्पेशली आ रहा है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि ऐसा डे मेरे लाइफ में आया है। ये कुछ दिनों बाद मेरे जीवन साथी बनेंगे और मुझे ये लगता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। शुरुआत की चिंता किसने की है, फिक्र तो खूबसूरत अंजाम की होनी चाहिए। इसी लाइनों को अपना आदर्श मान प्रेमी युगल इस वैलेंटाइन डे में बेफिक्र होकर वादे करते दिखाई दिए, जहां सभी प्रेमी सच्ची परिभाषा गढ़ने को तैयार थे। और इधर कदमा भाटिया बस्ती बाबा लोकनाथ पद की रहने वाली शोभा देवी की बेटी को जलाकर मारने के मामले में ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज की। इधर शोभा देवी ने बताया कि उसकी बेटी निशा देवी की शादी न्यू रानी कुदर के आनंद कुमार राम के साथ 6 महीने पहले हुई थी। महिला ने कहा कि 2 रोज पहले उसकी बेटी को सास ने शरीर पर किरोसिन तेल डालकर मारने की कोशिश की थी, वही बेटी जान बचाकर अपने वायके वापस आ गई थी। शोभा के अनुसार कदमा थाना में ससुराल वालों के खिलाफ लिखित शिकायत की गई थी, मगर पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। माँ बाप छोड़ के आते हैं, वही सब माँ बाप होता है। इतना अच्छा से बात करी और उधर एक यूं पूछती है, पुलिस को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। 10 दिन शादी का हुआ सर, और उसने मतलब कार लिए थे तो कार का डिमांड कर रहे हैं कि अपना मम्मी पापा से मांग के लाओ पैसा। तो हम बोले कि मेरी लड़की बोली कि हम, मेरे भैया अभी तुरंत शादी किए, 10 दिन अभी मेरे शादी का हुआ है। तो सास की थी, मालती देवी पर मट्टी तेल छिड़की तो लड़की भागती है। यहाँ पर आई तो थाना वाला हम लोग खबर किए, तो हम लोग मतलब फोन किए, तो हम बोले कि आप फोन बोल रहे, हमने निशा का मम्मी बोले तो आप थाना में आइए, तो हम लोग आए यहाँ। बेटी रखना चाहते हैं लड़की को अब, मतलब वहाँ नहीं रखना, नहीं जाने चाहते हैं। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती
इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक, जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में, एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल अस ऑन 8797257335 और 9534106209। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस के द्वारा चुनावी वर्ष आते ही युवा शक्ति फॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जहां किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत पूरे देश में यूथ कांग्रेस के द्वारा आज से कर दी गई है। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में यूथ कांग्रेस के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर चुनावी वर्ष में यूथ कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई, जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पारितोष सिंह एवं जिला अध्यक्ष संजीव रंजन मौजूद थे। जहां मीडिया से बात करते हुए पारितोष सिंह ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के दिशा निर्देश पर यूथ कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में किसान क्रेडिट कार्ड एवं युवा शक्ति फॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसे हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। वहीं युवा कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर इसे फोन के माध्यम से बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करेंगे, जहां हम सत्ता में आते ही वैसे लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को भी कई सुविधाएं मिशन 19 को जीतने के बाद दी जाएगी, जिसके बारे में कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज युवा कांग्रेस की ओर से एक चलो पंचायत कार्यक्रम के तहत एक युवा शक्ति कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत युवा कांग्रेसी पूरे जिले में, पूरे देश में जो भी हमारी युवा हैं, जो आज बेरोजगार हैं, तो आज हम लोग उस क्षेत्र में काम करने के लिए एक युवा शक्ति फॉर्म, ये फॉर्म आप देखिएगा, इसको भर रहे हैं, जिसके तहत अगर कांग्रेस की सरकार 2019 में बनती है तो प्राथमिकता के तौर पर उन युवाओं को हमारे युवा शक्ति कार्यक्रम के तहत एक मिस कॉल करना है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को रखेंगे और अगर 2019 में हमारी सरकार बन रही है उस समय उन युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। और वहीं जमशेदपुर में परमहंस स्वामी नीरज नंद जी महाराज के जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ संस्था के सदस्यों ने महादान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में सत्यानंद योग केंद्र के द्वारा परमहंस स्वामी नीरज नंद जी के महाराज की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कई सदस्य जीवन दान में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते नजर आ रहे थे। जहां इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए आयोजक समिति के सदस्य ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है, जिसे हम हर वर्ष अपने स्वामी के जयंती के अवसर पर आयोजित कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं इस शिविर में एकत्रित किए गए रक्त को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जहां हम अपने सामाजिक दायित्व के तहत और भी कई कार्यक्रम आयोजित कर गरीब और जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संस्था का गठन ही गरीबों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। और दूसरी ओर जमशेदपुर में श्री श्री रंकड़ी मंदिर कदमा के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया, जहां हजारों गरीबों ने दरिद्र नारायण भोज का लाभ उठाया। कदमा स्थित रंकनी मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी द्वारा 55वें स्थापना दिवस को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया गया, जहां कमेटी द्वारा दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया। वहीं इस संदर्भ में मंदिर कमेटी के सदस्य दिलीप दास ने कहा कि हजारों गरीबों के बीच में वस्त्र का वितरण कर उन्हें भोजन कराया गया है। श्री रंकनी मंदिर का प्रेसिडेंट है जोर से, और जोर से मिस्टर जे पांडे हमारे महासचिव है। क्या आज प्रोग्राम हुआ? ये आज प्रतिष्ठा दिवस है, 14 फरवरी को मंदिर का प्रतिष्ठा दिवस है। इसी प्रतिष्ठा दिवस में हम लोग हर साल मनाते हैं, गरीब के दरिद्र दान भोजन कपड़ा बस्तर दान करना, यही सब है। क्या नाम हुआ? दिलीप दास मेरा नाम है। और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व सिंहभूम जिला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इधर जीएमएम के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने बताया कि 13 फरवरी को 1 बजे रात में सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के प्रति असंसदीय भाषा एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच आक्रोश व्याप्त है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना सामाजिक समरसता और वैमनस्यता पैदा करने के लिए किया गया है। जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी, एसएसपी से इस पर विधि सम्मत एवं उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विगत रात को हमारे इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध में जो फेसबुक में बहुत ही अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया है, ये जे जेनापुर के कोई एक आदमी है, एग्री को में रहता है, जिसके विरोध में आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, महिला नेत्री, हम लोग वरीय सीनियर पदाधिकारी से हम लोग मिल करके हम लोग बोले कि 24 घंटा के अंदर इन पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने रामनवमी को लेकर डीसी, सिटी एसपी और विधि व्यवस्था एडीएम से मुलाकात की। इधर केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के सचिव अरुण सिंह ने बताया कि रामनवमी की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक और वरीय पुलिस पदाधिकारी से मुलाकात की गई है। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल से रामनवमी पूजा शुरू हो जाएगी तथा 15 अप्रैल को रामनवमी जुलूस निकलेगा। करीब 200 लाइसेंसी रामनवमी अखाड़े हैं। 6 से तैयारी हो जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति आज जिले के प्रशासनिक अधिकारी से मिलने आई है आगामी रामनवमी को लेकर। जमशेदपुर में लगभग 200 जगहों पे रामनवमी होती है, उनको लेकर आज हम लोग आए हैं। उपायुक्त महोदय और सीनियर एसपी, सिटी एसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीओ से मिलेंगे और रामनवमी की तैयारियों की शुरुआत जो है आज से हम लोग केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति करने जा रही है। 6 अप्रैल को रामनवमी की शुरुआत होगी और 6 अप्रैल को पहली पूजा है और 15 तारीख को भव्य जुलूस निकाला। और इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित जमशेदपुर एनआईटी कॉलेज में 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कलफेस्ट 2019 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार यहां बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल अपने गानों पर छात्रों को झुमाएंगे। जमशेदपुर एनआईटी कॉलेज का सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव कलफेस्ट 2019 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस कलफेस्ट कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें शामिल होने देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से 500 से भी अधिक छात्र आएंगे, जबकि कॉलेज के भी यहां सैकड़ों छात्र शामिल होंगे। इस बार कलफेस्ट के सभी प्रतियोगिताओं के लिए कुल 5 लाख की इनामी राशि घोषित की गई है।
कार्यक्रम आयोजन समिति के छात्रों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि 15 फरवरी को कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत होगा, जबकि 16 को कोलकाता के बैंड अपना परफॉर्मेंस देंगे। वहीं 17 फरवरी को कवि सम्मेलन के साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर जुमिन नौडियाल अपने गानों से लोगों को झुमाएंगे। ये हमारा NID जमशेदपुर का 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल है, इसका नाम कल्फेस्ट 19 है। ये हर साल होता है, उसी की भांति इस बार भी 15, 16, 17 फरवरी 2019 को ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, फैशन, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स का इवेंट्स रखे गए हैं। और इसमें आयोजन 15 तारीख की शाम में 6 बजे उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसमें कि जैसे ने बताया कि SP सरायकेला रहेंगे और ब्रजमोहन सर रहेंगे। उनके साथ एक मोटिवेशन टॉक के लिए आधे घंटे का 1 घंटे का हम स्लॉट PK झा सर हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। वहीं सरायकेला जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 5 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ईचागढ़ विधायक साधुचरण महतो ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक साधुचरण महतो ने अपने संबोधन में इस क्रिकेट प्रतियोगिता को क्षेत्र की खेल प्रतिभा को ऊपर उठाने तथा नए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश की खेल प्रतिभा को बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही हाल में संपन्न कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी पंचायतों में एक खेल के मैदान के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रयास से गांव स्तर की खेल प्रतिभा को उभरने का मौका मिलेगा। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता में जिला समेत पड़ोसी जिले व प्रदेश के कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता को 1,00,000 रुपए और ट्रॉफी व उप विजेता को 70,000 रुपए व ट्रॉफी दिया जाएगा। साथ ही खेल के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी कई आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। खेल के होने से यहाँ सरायकेला के आसपास के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और खेल के प्रति और लोग जागरूक होंगे। इसी तरह राज्य सरकार ने भी, आपको भी पता है कि 2% नौकरी सुनिश्चित कर रखा है कि खिलाड़ियों को ही देंगे। इसके साथ साथ अभी बजट सत्र में आपको प्रत्येक पंचायत में एक एक के मैदान पूरा राज्य भर में कमल क्लब के माध्यम से जो क्लब बना है उसके देख रेख में हर पंचायत में एक एक मैदान सुंदरीकरण बने। और इधर जमशेदपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक मेले का आयोजन जुगसलाई नगर परिषद द्वारा किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री एवं रोजाना इस्तेमाल में आने वाली घरेलू वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया। गुरुवार को यहाँ सांसद ने पहुंचकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान यहां सांसद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। वहीं महिलाओं के द्वारा यहां विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए। बता दें कि ये वैसी महिलाएं हैं जो अलग अलग महिला समूहों से जुड़कर खुद को स्वावलंबी बना रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है। मौके पर सांसद ने पहुंचकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया और कई महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और उन्हें विभिन्न तरह की योजनाओं से जोड़कर उन्हें समाज में आगे लाया जा रहा है, ताकि महिलाएं भी समाज में सर उठाकर चले और खुद स्वावलंबी होकर दूसरों को भी आगे बढ़ा सके। आज अभी छोटे छोटे महिला समूह है, महिला सिर्फ घर में सीमित ना रह जाए, ये भी परिवार के साथ जोड़े और परिवार के जो आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आज महिला समूह के मध्य विभिन्न टाइप का जो आज जरूरतमंद चीज समाज में आवश्यकता है उसका पूरा करने के लिए आज महिला भी घर से निकलकर एक तो आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा सुधार हो रही है, साथ साथ समाज में जो जरूरत चीजों है उसको भी आपूर्ति लोग कर रहे हैं। और इधर साक्षी शीतला मंदिर में मां काली और विश्वनाथ भगवान की मूर्ति की स्थापना पर नवरात्रि रुद्र यज्ञ का पूर्ण आहुति हो गई। इधर महोत्सव आयोजन समिति के सदस्य विवेक पांडे ने बताया कि 2005 से वार्षिकोत्सव पर हर साल यज्ञ का आयोजन होता आ रहा है।
साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि शुक्रवार को महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। साक्षी शीतला माता मंदिर में माँ काली काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर का 2005 में स्थापना हुआ था। उसी समय से 2005 से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है इनका, जो कि ये प्रत्येक साल सरस्वती पूजा के समय ये 9 दिन का जो नवरात्र होता है, हम लोग गुप्त नवरात्र बोलते हैं, इसमें रुद्रचंडी यज्ञ के रूप में हम लोग इस वार्षिक उत्सव को मनाते हैं, जो कि आपको 5/2/2014 से शुरू हुआ है। आज इसका पूर्णाहुति है, अंतिम दिन है, आज ये हवन हुआ और कल इसका, जैसा कि आपने पहले भी देखा, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विशाल भंडारा जो होता है, जो कि कल भंडारा है, आज इसका हवन हुआ। जमशेदपुर जिले के नए सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में रोहित कुमार ने पदभार संभाल लिया है। जिले में इस पद को संभाल रही उर्वशी पांडे के चाईबासा तबादले के बाद रोहित कुमार ने गुरुवार को पदभार संभाला। गुरुवार को नए सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के हैसियत से उनकी पहली प्राथमिकता सरकार की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी जनता तक पहुंचाना रहेगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग माध्यमों से सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी, जिससे कि योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको पब्लिक तक ले जाना है, पब्लिक का जो फीडबैक है वो जनता तक आए, और साथ में जो माध्यम है हमारा, आप है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और भी जो हमारे माध्यम है, वो चैनल का समुचित उपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें, और जो भी सरकार की गतिविधियाँ हैं और जो भी जिला की गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारी आप लोग मीडिया बंधु लोग जो है उनको सही समय पर पहुँचाए। हमारे पास चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वैलेंटाइन डे में प्यार पर पहरा लगाने पहुंचे संगठनों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, जुबली पार्क में पुलिस रही तैनात। जमशेदपुर की एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। जमशेदपुर के परसूडी और जुगसलाई में हुई दुर्घटना, परसूडी में ट्रक चालक ने गवाई जान। और सरायकेला अनुमंडल कार्यालय बनने का रास्ता साफ, उल्हान आयुक्त ने किया पुराने अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण। आज के खबरों में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।